बलिया जिले में ग्राम पंचायत कोटवा के लोगों ने ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन लूटने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने पर भी यहां जांच नहीं होती। अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गए हैं ग्रामीण, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश किया गया इस मामले की बारीकियों से जाँच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं गौरी शंकर प्रसाद प्रधान हूँ, कोटवा का, और मेरी पत्नी प्रधान वर्तमान। हमें सूचना मिली है कि आपके गांव में जो कार्य किया गया है 15 वार्डों में, वार्ड नंबर 15 में, नहीं 15 वार्ड में, वो जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है लेकिन कागजी कार्रवाई में पूरा हो चुका है। ऐसा है कि सभी वार्डों में काम हुआ है, आबादी के हिसाब से काम के हिसाब से सब वार्ड में काम हुआ, 15 वार्ड में काम हुआ है और उसका कार्य योजना में लोट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम ये भी शिकायत मिली, कार्य जो हुआ है वो सभी 2 नंबर के सभी उसमें सामग्री लगाए गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? गलत बात है। विनोद कुमार गुप्ता, रानीगंज कोतवा, ग्राम पंचायत कोतवा जी। क्या मामला है, हमको विधिवत जानकारी दीजिए। मामला यही है कि रानी कोटवा में आधा अधूरा कार्य बना है, उसका पूरा पैसा उठा लिया गया है जी। कौन उठाया, क्या नाम है हमको? जनक दुलाई, ग्राम पंचायत कोटवा का प्रधान है जनक दुलाई जी। क्या क्या घोटाला हुआ था हमको विधिवत? जैसे कि नाली के निर्माण के लिए आधा अधूरा नाली बना है, उसका पूरा पैसा उठाया गया। इंटरलॉकिंग ईटा में आधा अधूरा कार्य हुआ है और उसका आधा उधर कार्य में पैसा पूरा उठाया गया है भरपूर। हाल ही में जिलाधिकारी को मैंने कंप्लेन किया, जिससे उसको देख करके आनंद फानंद में उस कार्य के कुछ कार्य भी किए हैं तो आधा अधूरा भी किए हैं कार्य, वही पुरानी ईटा का प्रयोग करके, सफ़ेद बालू का प्रयोग करके आधा अधूरा कार्य हुआ है और यही सब। आप अभी आरोप लगा रहे हैं सफ़ेद बालू का प्रयोग हो गया, क्या आपके पास सबूत है? वो अब पूरा सबूत है, इसके कागज पत्र। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शिक्षा विभाग ने फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी और पदोन्नति के मामले में 3 शिक्षकों पर कार्रवाई की है। इसके तहत जहां गढ़वार में एक सहायक अध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया, तो वहीं बासडी में फर्जी अंक पत्रों के आधार पर नौकरी के मामले में शिक्षिका पूनम यादव पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके अलावा रेवती में एक शिक्षक को फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने पर उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। इन पर मुकदमा दर्ज कराकर अब तक के लिए वेतन की रिकवरी करने का आदेश दिया गया है। मेरा नाम राहुल मिश्रा है जी। यहाँ का भोजन क्या व्यवस्था है? यहाँ भोजन की व्यवस्था है 18 जुलाई के बाद। हाँ, मिड डे मील का जो भी यहाँ पे स्कीम लिखा गया है उसके अनुसार बनने लगा है। पहले क्या, इससे पहले आप मेन रजिस्टर उठा करके देख लेंगे तो अजीब गरीब स्थिति आपके सामने आ जाएगी। सिर्फ चावल और दाल छोड़ करके कुछ भी नहीं बनाए, और यहाँ पे और तो और जो भी यहाँ सहायक अध्यापक हैं चाहे रसोईया हैं सबसे आप पूछ सकते हैं। 18 जुलाई से पहले एकदम कुछ भी व्यवस्था नहीं, अपने अनुसार चलता था। आपके सामने मैं फ़ोटो भी प्रोवाइड करा दूँगा पहले की व्यवस्था है। बताइए। मेरा नाम मुनिंद्र नाथ राय, सनफ स्वर्गीय शिव कुमार राय, ग्राम सोहा, जिला बलिया का हूँ जी। क्या मामला है मंत्री जी का? मंत्री जी का मामला, मंत्री जी की निर्वाचन के 2-3 सभाएं हैं, इसमें उन्होंने लिखा है कि भैरव राय के घर से लेकर विजय भद्र की आग तक निर्माण कार्य हुआ है। कौन सा ईटा क्या करते हैं? इंटरलॉकिंग ईटा बिछवाया गया है, उसमें एक ईटा भी नहीं बिछा गया, पता नहीं कितना पैसा उतारा है। 4 लाख में रहा है। हाँ, क्या वो काम हुआ है? काम नहीं हुआ है, अभी तक नहीं काम हुआ है। और कार्ययोजना में, कार्ययोजना में दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? इनके बुलेटिन में दिखा गया है, कार्ययोजना में भी दिखा दिया गया है, काम नहीं हुआ है। हाँ, काम नहीं हुआ है। यूपी के जहांगीराबाद नगर व क्षेत्र सिया समुदाय गांव साखनी में मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिया जुलूस निकाले गए, जिसमें नगर व क्षेत्र से सैकड़ों संख्या में लोगों ने भाग लिया व जुलूस की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। गांव साखनी में जहां मुहर्रम की तैयारी चल रही है, मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, उसी शहादत की याद में शोक बार मातम कर कर अपने शरीर को लहूलुहान करते हैं। आज के इस दिन हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन
का खानदान इस्लाम को जिंदा रखने के लिए शहीद हुआ, लेकिन यजीद के जुल्मों से नहीं झुके। कैमरामैन वसीम सैमी के साथ सुल्तान अंसारी, सीएमएन न्यूज, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। आज मौजूद हैं हम, ताजिया को मनाया जाता है। ये मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे थे हज़रत इमाम हुसैन। तो इमाम हुसैन से यजीद बेअत का सवाल कर रहा था, वो हर गलत काम के लिए उनसे बेअत लेना चाह रहा था। तो इमाम हुसैन अपने चंद असहाब और अपने बच्चों के साथ, एक वो बच्चा कि जिसकी उम्र अभी 6 माह की भी मुकम्मल नहीं हुई थी, वो करबला के मैदान में आए और इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि तमाम आलमी इंसानियत को बचाने के लिए अपने अज़ीज़ अक़ारिब की और अपनी औलाद की आपने क़ुरबानियाँ दी। इसके लिए ख़ुद श्री महात्मा गांधी बाबा कौम और बानी आज़ादी हिंदुस्तान ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि मैंने हिंदुस्तानियों को कोई नई चीज़ नहीं दी, कोई नया तोहफ़ा नहीं दिया, बल्कि मैंने खुद करबला का मुतालिया किया, करबला को दिक्कत और तहकीक के साथ पढ़ा, तो बस मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि ए हिंदुस्तान वालों, अगर तुम हिंदुस्तान को निजात दिलाना चाहते हो तो तुम्हें हुसैन इब्ने अली का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मुहर्रम की 10 तारीख का मेन मकसद क्या है? मुहर्रम की 10 तारीख का मेन मकसद ये है कि आज के दिन ही ये जंग करबला के मैदान में हुई थी और यजीद ने इमाम हुसैन को, इंसानियत के बादशाह को शहीद कर दिया था। लिहाजा हम उन्हीं की याद में ये ताज़िया उठाते हैं, ये मुहर्रम मनाते हैं और ये मई से करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद बाकिर ज़ैदी, मुजफ्फरनगर। प्रदेश के राज्य नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने नगर के शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में आयोजित प्रदेशीय 65वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन में मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के नगर व शहरी विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता को कॉलेज के क्रेडिट्स ने सलामी दी और कॉलेज के प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि राज्य मंत्री व विशेष अतिथि विधायक संजय शर्मा का फूल माला व शाल ओढ़कर उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा नगर परिषद विकास मंत्री महेश गुप्ता नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहाँ मीटिंग हॉल का फीता व शिलापट से पर्दा हटाकर उद्घाटन किया गया। नगरपालिका चेयरमैन के नेतृत्व में मंत्री को ज्ञापन दिया गया, जिसमें नगरपालिका को प्राधिकरण से अलग करने व कई सड़कों का निर्माण कराने की मांग की है। वहीं वैश्य समाज की तरफ से सभासद विनय अग्रवाल ने चांदी का मुकुट पहनाकर मंत्री व विधायक का स्वागत किया। जी, आपको प्रदेश में नगर विकास मंत्री बनाया जी, झंगराबाद बहुत उम्मीद है आपसे, झंगराबाद के लिए आप क्या बोल सकते हैं? अभी लोगों ने अपनी बात रखी है और मेरा नारा है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जब इन्होंने जंगीराबाद के बारे में, जंगीराबाद के क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचा है तो आज नहीं तो कल अवश्य होगा। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने अपने ही चचेरे भाई को गोली मार दी और फरार हो गया। गंभीर हालत में घायल चचेरे भाई को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका ऑपरेशन कर गोली निकाली गई है। वही पुलिस ने गोली मारकर अपने ही भाई की हत्या का प्रयास करने के आरोप में मामला दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक गोली का मामला आया, क्या मामला है? ये नगला मोहिद्दीनपुर गांव पड़ता है खुर्जा देहात में, ये राहुल नाम का व्यक्ति है, उनके भाई भाई का आपसी झगड़ा था जिसमें उसने उसको गोली मार दी और खतरे से बाहर है, अस्पताल में है, ठीक है हालत अभी और एग्जामिन चल रहा है उसका और जाँचें हो रही हैं। तो सर कोई पकड़ा भी गया? पुलिस दबिश दी है गांव में, एक पार्टी पुलिस की जो है गांव में दबिश दे रही है और वो भागा हुआ है। मेरठ कोतवाली थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद को लेकर मारपीट के बाद फायरिंग में 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। क्या घटना हुई? क्या घटना? सुबह बच्चों में विवाद हुआ था जिसमें समझौता हो गया था दोनों पक्षों का, लेकिन शाम को दोनों पक्ष फिर भिड़ गए और इसमें 2 लोग घायल हुए हैं।
दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना में दो लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है और जो भी इसमें अभियुक्त हैं जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। सर कौन अभियुक्त हैं, किन का नाम आ रहा है किसमें? इसमें एक पक्ष अलाउद्दीन है जो घायल हुए हैं, एक अमन है और आसिक है, दो घायल हैं अमन आसिक जिला अस्पताल में, दूसरा पक्ष अलाउद्दीन वगैरह हैं। इसमें और कौन कौन शामिल हैं पूरा पूछताछ किया जाए, जैसा मैंने बताया दोनों को हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है, इससे पूछताछ करके पूरी बात की जाएगी। अच्छा इसके अंदर जो घायल हुए हैं क्या गोली से घायल हुए किस? हाँ फायर आर्म इंजरी है, पैर में लगी है। एक मिनट, क्या नाम आपका? मोहिन। मोहिन भाई ये बताइए क्या घटना हुई आपको, किसने गोली? घटना साहब ये हुई है, मैं किसी काम से बाजार में आया तो आपस में बच्चों बच्चों में झगड़ा चल रहा था, तो कुछ हमारे महल्ले के बच्चे थे कुछ उनके महल्ले के बच्चे थे, तो इतना करके बच्चों बच्चों में हाथापाई हुई, हाथापाई पे पथराव के बाद आ गई, पथराव से बाद आता था उन्होंने सीधी सीधी आके बच्चों पे गोली चला दी। कौन लोग थे? जिनका नाम है हाजी राशिद और उनके चेहरे चपाटे जो है वो कश्मीरी, उन्होंने भी चलाई ग्राउंड तो कह पाने बच्चों तो मैं ही बचाऊ, मेरे वालिद साहब भी बचे हैं, मेरा छोटा भैया ही बचा घायल होने से, ये चाचा है मेरे सगे, अरे भैया जिनके गोली लगी, वो छोटा भैया है जिसके गोली लगी, जिनके गोली लगी है उन्हीं से लड़ाई हुई थी? नहीं नहीं है, ये जिनके गोली लगी है जो खड़े थे बीच बचाओ में थे बस, ये झगड़ा किससे हुआ था? क्रिकेट को लेकर किससे झगड़ा हुआ था उनका, उन लोगों का? बच्चे तो वो मोड़ी कसाईयों में थे लड़के हमारे। अच्छा गोली हाजी राशिद ने चलाई, यासर ने चलाई और उनके जो साथ के वो हैं कश्मीरी, उन्होंने चलाई गोली। हाजी राशिद कौन है? जो गार्ड है उसके। क्यों भैया हाजी राशिद कौन है? आज का अगला का भैया। अच्छा आज शायद का भैया। कितने लोगों को गोली लगी है? दो जनों के लगी जी। ठीक। मेरा नाम निशा है। निशा क्या हुआ? मैंने जब मैं गई हुई थी मेरे मम्मी ने सुना कि है ना भाई के गोली लग गई, वापसी आई हूँ घर के अंदर तो देखा तो वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, क्या है ना मान के गोली लग गई, तो बस इसलिए होपलेस हो गई और परेशान सी हो गई, रोने लगी। ये चाहती हूँ मैं, जब हाजी राशिद ने गोली मारी है मुझे मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। कौन है हाजी? कौन है हाजी? ये है ना कुरैशियों में से है, शाहिद अखलाक का लड़का है छोटा, हाजी शाहिद का तो भाई है, हाजी अखलाक का तो लड़का ही है, और उसके है ना उसके खिलाफ एक्शन चाहिए, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। और बड़ा विवाद क्या हुआ? विवाद क्या हुआ? बच्चे बच्चों में झगड़ा हुआ था श्रीमान? अरे एक मिनट, एक को बोलना तो पहले, किस विवाद में गोली मारी? वो खेल रहे होंगे, कोई आतापाई होगी, मैच खेल रहे थे तो उसी दौरान इनका कोई छोटे बच्चों का वो हो गया होगा झगड़ा वगड़ा, तो उसी दौरान इन्होंने हाजी राशिद ने गोली निकाल के फायरिंग शुरू कर दी। तीन लोगों, दो लोगों की गोली लगी है, इनके बोतले लगी है और लड़कों के सिर भी फटे हुए हैं। पथराव भी हुआ जी, बहुत तकलीफ। कितने लोग और थे राशिद के साथ? ढाई सौ आदमी। राशिद हाँ ये थे, ये लोग थे वहाँ पर, मैं थी नहीं वहाँ पर, इसीलिए मैं दुकान। मौलाना मुस्तफा याकूबी के नेतृत्व में शेकोहाबाद तहसील तिराहे पर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पुलिस उपाध्यक्ष अजय कुमार चौहान व चेयरमैन पति की उपस्थिति में लोगों को हेलमेट वितरित किए गए। हेलमेट के इस्तेमाल के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। सर आज बहुत ही पावन और पवित्र और बहुत अच्छे उद्देश्य का प्रोग्राम है, आज लोगों की जान बचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए इस्लामिक सेंटर संस्था है शिकोहाबाद की, उसने हेलमेट निःशुल्क बांटे हैं, लोगों को जागरूक भी किया है और निःशुल्क बांटे हैं ताकि एक परिवार का आदमी जब उजड़ता है, मुखिया उजड़ता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इन चीज़ों को इतने गहन रूप से ध्यान करते हुए और कानून का पालन हो इस चीज़ को भी करते हुए इन्होंने अपने रूप से अपने संस्था की तरफ से ये आज किया है, पहल की है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, और मैं चाहूँगा सारी संस्थाएं इस तरह का कार्य करें और सभी को जागरूक करें कि 100% सभी लोग हेलमेट धारण करें क्योंकि उसी में उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा है। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम है जी? आज मुहर्रम की 10 तारीख पर हेलमेट वितरण का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आज शहादत का दिन है और इस बात की मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब इस ये केवल प्रेरणा के लिए बांटे गए हैं, अगर आज आदमी इससे प्रेरणा लेकर हेलमेट लगाने लगेगा इससे इंसानी जिंदगी बच जाए जो कि बहुत अनमोल है। इसलिए मैं सबसे आज बहुत छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि हेलमेट जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और हमारे बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग हमेशा हेलमेट पहने। धन्यवाद।